तो गाइस अगले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक बूमरेंज प्लेन, स्पेशली बूमरेंज प्लेन पे था कि कैसे एक बूमरेंज प्लेन को हम फेंकते हैं और टर्न करके हमारे पास आ जाता है। और अगर आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो गया है, ठीक है ना, और वीडियो भी डाला हुआ है चैनल पे, वहाँ पर जाकर आप देखते हो। और गाइस ये स्पेशली ये वाला प्लेन के ऊपर है, इस प्लेन को कैसे स्पेशली बनाते हैं गाइस। और ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस एरोप्लेन है, उसको फेंकते बहुत ही दूर तक जाता है, ठीक है गाइस। तो देखते हैं कि उसको कैसे टर्न करके इस ऐसा शेप में बनाते हैं, ठीक है, जो ये शेप है, और कैसे कैसे इसके फोल्ड्स देते हैं और इसके पीछे का क्या साइंस है गाइस, ये जानते हैं। चलते हैं देख। तो गाइस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड एरोप्लेन फ्लाई। तो गाइस अगर एक एरोप्लेन उड़ता है तो उसके पीछे क्या साइंस लगती है गाइस। गाइस एक नॉर्मली एक एरोप्लेन उड़ता है तो गाइस फोर फोर्सेस वर्क करती हैं। फर्स्ट इधर से ड्रैग वर्क करता है, नीचे से ग्रेविटी वर्क करता है, इधर से थ्रस्ट वर्क करता है, और ऊपर से करता है गाइस लिफ्ट। तो गाइस अगर हम इन चारों फोर्सेस को बैलेंस कर दें तो जो हमारा एरोप्लेन है बहुत ही स्मूथली बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस उड़ता है गाइस। और गाइस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज मोस्ट मैटर गाइस, अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान में रख के बनाए तो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस जो हमारा एरोप्लेन है ये जाएगा गाइस। इसीलिए गाइस मैंने जो इसका अपलिफ्ट का नोज होता है उसको फोल्ड करके अंदर रखा है, इसके कारण जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पूरा एक्यूरेट तो नहीं है मगर फिर भी उतना है कि जो हमारा एरोप्लेन है इस वीडियो के जरिए देखे तो कितना दूर तक जाता है अगर हम एरोप्लेन फेंकते हैं। तो गाइस हमेशा आपने देखा होगा कि हम एरोप्लेन को इस डायरेक्शन में ऐसे फेंकते हैं, ऐसे नहीं फेंकते हैं कि हमारा एरोप्लेन पता ही है कि ऊपर जाना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में इसलिए गाइस फेंकते हैं कि इधर से जो आने वाली एयर है, जो फ्रंट से आने वाली एयर है वो इसके विंग्स पे टकराकर नीचे डाउनवर्ड फॉल करती हैं और ऊपर फोर्स लगाते गाइस, जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ से होता है गाइस, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन एयर करती हैं और रिएक्शन जो विंग्स ऊपर करके करती है गाइस। तो सेकंड रीज़न ये है कि हम इसको ऐसे क्यों फेंकते हैं गाइस। गाइस अगर हम एयरफॉइल के रीज़न के बारे में जाने तो एयरफॉइल का रीज़न ये कहता है कि अगर हम कोई विंग्स को आगे से बहुत ज़्यादा मोटा कर दें तो उसके ऊपर की विंग्स की जो स्पीड होगी, एयर की स्पीड होगी, उसके ऊपर की विंग्स के ऊपर की एयर की स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, जिससे यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा और लो प्रेशर होने के कारण ड्यूअल विंग्स गाइस नीचे हो जाती हैं और ये अपलिफ्ट हो जाता है गाइस। देखा हुआ कि अगर हम एरोप्लेन फेंकते हैं तो हमारा जो विंग्स होता है ऐसे होता है इस शेप में हमारा जो विंग्स होता है वो होता है। तो हमारा जब हम एरोप्लेन फेंकते हैं इस टाइप के विंग्स को मतलब क्रिएट करके तो हमारा जो एरोप्लेन है कभी रोल कर देता है, ऐसे रोल करने लगा। तो गाइस रोल इसलिए कर देता है क्योंकि जो इधर से एयर आने वाली और इधर से एयर आने वाली इस विंग्स को थोड़ा डाउनवर्ड फोल्ड कर देती हैं, थोड़ा वो कर देती हैं, चांप देती हैं, जिससे जो हमारा विंग्स है थोड़ा ऐसे हो जाता है और रोल करने लग जाता है। तो भाई इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको कैसे बचा सकते हैं और जो हमारा एरोप्लेन को बहुत दूर तक मतलब जाने वाला कैसे बना सकते हैं गाइस। तो इसके पीछे गाइस एक एंगल वर्क करता है, डायहेड्रल एंगल। तो गाइस डायहेड्रल एंगल बनाने के लिए हमें जो विंग्स है इसको ऐसे करके उड़ाना चाहिए गाइस, हमेशा एरोप्लेन को इस इधर से आने वाली एयर से और इधर से आने वाली एयर बैलेंस हो जाएगी और जो हमारा एंगल है बढ़िया से बने और एक नंबर थ्रस्ट मतलब बहुत बढ़िया से थ्रस्ट मिले और जो हमारा इस वीडियो में देख सकते हो कितना ऊपर तक कितना दूर तक एरोप्लेन जाता है गाइस। तो गाइस देखा आपने वाली वीडियो, बहुत अच्छे से वीडियो बनाया गाइस, सब चीज़ एक्सप्लेन किया है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस एरोप्लेन को कैसे फोल्ड करके कैसे शेप में बनाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, कौन कौन सी फोर्सेस वर्क करती हैं गाइस। तो गाइस सब चीज़ बताया, बहुत बढ़िया से बताया। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जरूर किसी ना किसी दिन अपनी मेहनत से चैनल को सब्सक्राइब कर लूँगा।
और अगले वीडियो में गाइज बूम रेंज एरोप्लेन बनाने वाला हूँ, और गाइज उसके पीछे का साइंस क्या है, कैसे एक एरोप्लेन फेंकती है, तो घूम के हमारे पास जाता है, एयर का क्या कंडीशन होता है, कौन कौन से फोर्सेस वर्क करती हैं गाइज, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे जैसे इस वीडियो में बात किया है। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में कोई और एक्सपेरिमेंट के साथ, तब के लिए पढ़ना।